नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश जी, साउथ एमसीडी से मेयर बहन अनामिका मिथिलेश जी, ईस्ट एमसीडी के मेयर निर्मल जैन जी और साउथ के बीच हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद अशोक गोयल जी। सभी मीडिया के बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार और नमस्कार करता हूं। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्रीमान जयप्रकाश जी, पूर्वी दिल्ली निगम के महापौर श्रीमान निर्मल जैन जी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की महापौर बहन अनामिका मिथिलेश जी, साउथ दिल्ली के सदन के नेता और पूर्व मेयर श्री नरेंद्र चावला जी और हमारे मीडिया कन्वीनर अशोक गोयल जी, सभी पत्रकार बंधुओं, आप लोगों को पता है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, एक तरह से कल हमने सुना मुंबई से भी आगे निकल गए हैं और दिल्ली सरकार की जो काम करने का तरीका है, झूठा क्रेडिट लेने की आदत है, काम ग्राउंड पर नहीं करना लेकिन झूठा क्रेडिट लेना। जब से कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है दिल्ली के अंदर, तब से लेकर 16 जून तक 3,44,000 लोगों की मैपिंग टेस्टिंग हुई है। दिल्ली के लोग परेशान थे, टेस्टिंग नहीं हो पा रही थी। मोदी सरकार ने हस्तक्षेप किया और उसका एक सुखद परिणाम ये हुआ कि पिछले 8 दिन के अंदर, 16 जून से लेकर अब तक 7 दिनों में 1,33,000 लोगों की टेस्टिंग हुई है, जिसमें 29,000 लोग पॉजिटिव पाए गए और दिल्ली के 6,00,000 लोगों के टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट टेक्नोलॉजी से फ्री किए जा रहे हैं। ये भी मोदी सरकार की ही देन है दिल्ली वासियों के लिए। और आप सब लोग सुना होगा कि राधा स्वामी सत्संग जो पटेल कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में तैयार हो रहा है, वो आज से 2000 बेड वहां प्रारंभ हो गए हैं। 10,000 बेड का ये हॉस्पिटल बिल्कुल पूरी तरह सज्ज है, तैयार है और वो भी केंद्र सरकार की मदद से ये काम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री जहां निगम ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है, ऐसे समय में निगम को मदद करने की जरूरत थी, वो मदद उन्होंने नहीं की और झूठा क्रेडिट जो केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है उसका झूठा क्रेडिट वो समय समय पर लेते रहते हैं। निगम और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दिल्ली वासियों की मदद करने के लिए तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों की मदद करने का अभियान चलाया, बड़े स्तर पर मदद की और निगम ने, चाहे वो सफाई का काम हो, सैनिटाइजेशन का काम हो या फिर कंटेनमेंट जोन के अंदर जिन घरों में कोरोना पॉजिटिव हो जाता है वहां से कूड़ा उठाने की बात हो, एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की बात हो, पब्लिक हेल्थ से जुड़े जितने भी मैपिंग हो रही है कंटेनमेंट जोन में, वो भी कॉरपोरेशन के कर्मचारी और कॉरपोरेशन के पब्लिक हेल्थ से जुड़े वर्कर्स कर रहे हैं। इतनी सारी कोरोना संक्रमण से इतनी मेहनत
निगम के लोग कर रहे हैं और मैं आज तीनों नवनियुक्त नवनिर्वाचित मेयर को महापौर को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि उन्होंने कल ही परसों 24 तारीख को पदभार ग्रहण किया और उसके बाद ही इतनी दिल्ली सरकार की सहयोग ना करने के बावजूद अपने जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई। एक दिन का ही अंतर हुआ है और उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जिस तरह कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, नंबर ऑफ बेड्स की जरूरत है, आइसोलेशन सेंटर ज्यादा से ज्यादा बनाने की जरूरत है, इसलिए सभी महापौरों ने हमारे पास एक प्रस्ताव भेजा है जो कि उन्होंने नोडल ऑफिसर्स के पास भी ये प्रस्ताव दिया है दिल्ली सरकार को कि हम अपने कम्युनिटी सेंटर, हम अपने स्कूल और जो हॉस्पिटल्स उनमें आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए तैयार हैं, जिसमें कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 8,045 नंबर ऑफ बेड्स बनाए जाएंगे, जिसमें स्कूल, कम्युनिटी हॉल और हॉस्पिटल्स, जिसमें कि हिंदू रॉ हॉस्पिटल के 200 बेड कोविड केयर के लिए उपयोग में लाए जाएंगे और इसके अलावा एक 200 बेड हिंदू रॉ हॉस्पिटल और बालक राम हॉस्पिटल के 120 बेड, इस तरह से कुल मिलाकर जो कम्युनिटी सेंटर हैं, स्कूल्स हैं, वहां पर 8,045 बेड की आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था निगम चरणबद्ध तरीके से करेगा। मैं साउथ दिल्ली की जो मेयर हैं उन्होंने सभी अधिकारियों से बात करके 11,638 बेड्स बनाने का तमाम स्कूल, बैंक्वेट हॉल और हॉस्पिटल्स, साउथ दिल्ली में ऑलरेडी 2 हॉस्पिटल कोविड केयर के रूप में दिल्ली सरकार उनका इस्तेमाल कर रही है, जिसमें से एक तिलक नगर और कालका जी, और इसी तरह ईस्ट दिल्ली के अंदर 4,320 बेड्स आइसोलेशन बेड बनाने की बात हुई है, जिसमें 27 कम्युनिटी हॉल और 53 स्कूल का इस्तेमाल करके निगम अभाव के बावजूद भी लोगों की, दिल्ली की जनता की सेवा करने का जो हौसला रखती है उसके लिए मैं निगम को धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ कि निगम के हमारे सभी महापौर, हमारे सभी टीम के लोग पूरी तैयारी के साथ इस काम में जुट गए हैं और यहाँ तक कि उन्होंने पत्र व्यवहार भी नोडल ऑफिसर्स से किया है, उनके साथ बात भी की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए था समय रहते, वो समय रहते नहीं किया। आज दिल्ली के लोग परेशान हैं, लोगों को जो परेशानी ना हो इसके लिए निगम आगे आया है, भारतीय जनता पार्टी आगे आई है और इन सब चीजें सही हो जाए, व्यवस्थाएं सही हो जाए, निगम के लोग उसमें लगेंगे, हमारी शक्ति लगेगी। लेकिन मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी निगम को पूरा सहयोग और समर्थन दें और पिछले कुछ दिनों से जो वो झूठा क्रेडिट लेने की राजनीति कर रहे हैं वो ना करें और हमारे सफाई कर्मियों के साथ भी भेदभाव ना हो।
क्योंकि पिछले दिनों देखा गया है कि हमारे निगमों के 8 सफाई कर्मियों की मृत्यु हुई और उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को 1 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, लेकिन हमने प्रस्ताव भेजा, तीनों निगमों ने प्रस्ताव भेजा, लेकिन आज तक उस प्रस्ताव पर कोई भी उनका उत्तर नहीं आया और कोई मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया। हालांकि निगम की ओर से 10-10 लाख रुपए उनको आर्थिक सहायता दी गई। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर कोविड की और कोरोना संक्रमण की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हमें मिलकर लड़ना चाहिए। जिस तरह से मोदी सरकार, केंद्र की माननीय मंत्री अमित शाह जी आगे आकर जमीन पर उन्होंने काम को देखा है, LNJP हॉस्पिटल का दौरा किया, कोविड केयर के मामले में जितनी मदद दिल्ली सरकार की हो सकती थी, दिल्ली के लोगों की हो सकती, वो सब कर रहे हैं और निगम भी आगे आया है। मैं निगम को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वो तीनों महापौर अपने निर्वाचन के एक दिन के बाद ही अपनी प्रस्ताव को सामने लाए हैं। दिल्ली सरकार उस प्रस्ताव पर सकारात्मक रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य एक ही है कि दिल्ली की जनता की सेवा करना और दिल्ली की जनता की जो इस समय कोरोना संकट से जूझ रही है उसको बाहर निकालना। मैं अपने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश जी से कहूंगा कि वो भी उत्तरी दिल्ली निगम ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में अपनी बात कहें। जयप्रकाश जी, पासदा में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही डिटेल में सारी बात बताई है। हमारे दोनों मेयर भी इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली को COVID-19 से बचाने के लिए नगर निगम का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से लेकर अब तक नगर निगम ने एक संकल्प के साथ, प्रतिबद्धता के साथ दिल्ली की जनता को बचाने के लिए काम किया है। जब लॉकडाउन हुआ तो हमने नगर निगम में एक फार्मूला बनाया कि हम 4S फार्मूले पर काम करेंगे। उस फार्मूले के तहत हमने स्वच्छता अभियान चलाया। आपने देखा होगा कितनी भी बड़ी समस्याएं थी, हमारे 50 वर्ष से ऊपर के सफाई कर्मचारी जिनको हमने ये कहा था कि आपको नौकरी पे नहीं आना, उसके बावजूद भी दिल्ली में हमने सफाई व्यवस्था को चरमराने नहीं दिया, लगातार सफाई व्यवस्था को हमने बना कर रखा। दूसरा ऐसा हमारा सैनिटाइजेशन का, दिल्ली के अंदर चाहे बड़ा सड़क हो, चाहे चौड़ी सड़क हो, चाहे पतली गलियां हो, डेली हमने सैनिटाइजेशन के काम को बहुत ही संकल्प के साथ किया। हमारा इंजीनियरिंग विभाग, हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग, हमारा DVC विभाग, हमारे स्वास्थ्य कर्मी सब ने मिलकर के दिल्ली को सैनिटाइज करने के लिए अच्छे से काम किया। सोशल डिस्टेंसिंग लोग बनाकर रखें, उसके लिए हमने हर वार्ड के अंदर एक टीम बनाई जो कि हैंड माइक लेकर के डोर टू डोर लोगों को जाकर अवेयर कर रही थी। और 4S जो हमारे श्रमिक थे या प्रवासी भाई थे या गरीब लोग थे, उन तक राशन भोजन पहुंचाने का काम, सेवा का काम भी हमने किया। दोस्तों, डेली हमने 683 किलोमीटर सड़क को सैनिटाइज किया डेली, जिसमें हमारे 9 गाड़ियां, जिसको हम स्प्रिंकल बड़े कहते हैं, जो हमारे टैंकर थे उसमें 9000 लीटर की कैपेसिटी एक के अंदर थी। इस प्रकार की 9 हमारी गाड़ियां चल रही थी जो रोज स्प्रिंकल के माध्यम से सैनिटाइज का काम कर रही थी। जो पावर स्प्रे वाली हमारी गाड़ियां थी वो 6 थी, उसमें 3000 लीटर डेली उसमें दवाई आती थी और उसको हम सैनिटाइज करते थे। 36 हमने सफाई कर्मचारियों की सुविधा के लिए डॉकिंग स्टेशन बनाए, क्योंकि जब दिल्ली के अंदर
लॉकडाउन हो गया और हमने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए, तो उन रेड स्पॉट एरिया के अंदर जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे उनकी भी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने 36 डॉकिंग स्टेशन बनाए, जहाँ पे हमने अपने स्वस्थ कर्मियों को पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क उपलब्ध कराए, पीने का पानी, जूस आदि वो भी सब उनको उपलब्ध कराया ताकि वो भी अच्छे से काम कर सकें। 96 हमारे कंटेनमेंट जोन थे नॉर्थ एनसीडी के अंदर, उन 96 कंटेनमेंट जोन के अंदर हमने अपने डीवीसी कर्मचारियों की टीम बनाई जो कि डीएम के नेतृत्व में डीएसओ के साथ मिलकर के डोर टू डोर लोगों को ट्रेसिंग करना, और कोई भी व्यक्ति अगर कोविड पॉजिटिव पाया गया तो उसके घर को सैनिटाइज करने का काम भी नगर निगम ने किया। और जो सबसे बड़ा काम जो नगर निगम ने किया है वो है कि जो लोग होम क्वारंटाइन हो गए, अब जो व्यक्ति 14 दिन घर पर रह रहा है 14 दिन का उसका जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको उठाने का काम भी नगर निगम ने किया। रोज लगभग 43.98 मीट्रिक टन कूड़ा हमने बायोमेडिकल वेस्ट उठाया है डेली का। इन सब कामों के अंदर जब हम दिल्ली सरकार की मदद कर रहे हैं तो दिल्ली सरकार ने एक दिन भी अपने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपने किसी वक्तव्य में ये बात नहीं कही कि नगर निगम हमारा सहयोग कर रही है, नगर निगम हमारे मदद कर रही है। आज दिल्ली देश की राजधानी होते हुए भी वो कोविड 19 से जूझ रही है, लेकिन हम देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में संकल्पित है कि हम हर काम को अपने कर्तव्य को समझते हुए अच्छे से करेंगे। आज दिल्ली के अंदर अस्पतालों की और आइसोलेशन वार्ड की जरूरत है, तो उत्तर दिल्ली नगर निगम के अंदर 8,045 बेड की व्यवस्था हम कर सकते हैं। वो व्यवस्था उसमें 6 हमारे अस्पताल हैं, बालक राम अस्पताल जिसकी हमारी बिल्डिंग बनके तैयार है, हमारा कुतुबगढ़ में एक अस्पताल है, ऐसे 6 हॉस्पिटल हैं जिनकी बिल्डिंग बनके तैयार है, सारी सुविधाएं वहाँ पे है। अगर वहाँ पर दिल्ली सरकार हमारे को परमिट करेगी तो 607 बेड की व्यवस्था हम वहाँ कर सकते हैं। ऐसे हमने 71 स्कूल पूरी उत्तरी दिल्ली नगर निगम से चिन्हित किए हैं, उन 71 स्कूलों के अंदर जहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, वहाँ पर ग्राउंड्स भी है, उन सबको ध्यान में रखते हुए 6,804 बेड हमने स्कूलों में भी बना सकते हैं। ऐसे हमने जो हमारे 126 कम्युनिटी सेंटर है उनमें से भी 12 छाटे, उन 12 कम्युनिटी सेंटर के अंदर हम 639 बेड बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज दिल्ली को अगर आइसोलेशन की सेंटर की जरूरत है तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के माध्यम से 8,045 बेड की व्यवस्था कर सकते हैं, बशर्ते दिल्ली सरकार को जो हमारे को रिसोर्सेज देने हैं, जो हमें सहायता देनी है वो आगे बढ़ के करें, जितनी ताकत हमारी है हम काम करेंगे। अभी दिल्ली में जो अभी 169 भारत सरकार के सहयोग से जो टेस्टिंग सेंटर बने हैं उसमें से 30 हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम में चल रहे हैं, अगर दिल्ली सरकार चाहे तो 50 और केंद्र हम बना सकते हैं जो हमारे स्कूल के अंदर चलने वाले हैं। तो इन सब काम के अंदर हम दिल्ली सरकार की मदद करने के लिए तैयार हैं, वो हमारा सहयोग ले। हमारा उत्तरी दिल्ली नगर निगम का बहुत ही बहुप्रतीक्षित अस्पताल बाड़ा हिंदूराव, उसको कोविड डेडिकेटेड घोषित किया है, उसको हम प्रिपरेशन उसकी हो रही है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, एक दो दिन के अंदर उसमें भी रेगुलर कोविड पॉजिटिव मरीजों का इलाज होगा। अभी वहाँ पर हमने वार्ड तो हमने बना दिया था, सस्पेक्टेड मरीज हम वहाँ रख रहे हैं, कल से हम पूरी तैयारी करेंगे। ये संक्षेप में मैंने पूरी जानकारी रखी है, हमने पूरी डिटेलिंग की है कि हमारे 6 जोन हैं, 6 जोन में किस जोन में कौन सा स्कूल आएगा, कौन सा कम्युनिटी सेंटर आएगा, कौन सा हॉस्पिटल आएगा और उसमें कितने सैनिटरी स्टाफ लगेगा, कितने डॉक्टर्स लगेंगे, कितने नर्सेस लगेंगी, ये सारा वर्कआउट हमने कर लिया है। सिर्फ जरूरत है दिल्ली सरकार हमें परमिट करे और हमें सहयोग करे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी एवं मंचासीन सारे साथीगण, मीडिया के बंद, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने पूरी कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयारियां पूरी कर रखी हैं। हमने 53 साइट हमने स्कूलों की छाटी हैं, 200
27 स्कूल क्वार्टर बिल्डिंग हमारी हैं, जिसमें 53 साइट हमने छांटी है। इसी तरह से 27 हमारे कम्युनिटी हॉल हैं। इस तरह कुल मिलाकर के हमारे पास 4,300 बेड की हमारी व्यवस्था बैठती है एक एंटिटी। लेकिन इसके साथ हमने सबसे पहले हर एमएलए कॉन्स्टेंसी पर, हमारे यहाँ पूर्वी दिल्ली में 16 विधानसभा क्षेत्र रखते हैं, हमने हर विधानसभा स्तर पर हमने उसको एक एक हर विधानसभा एक एक कम से कम आइसोलेशन सेंटर बनाए। इसकी पूरी तैयारी हमने इसके लिए बकायदा हम 2 टीम बना करके हमने निरीक्षण भी किया है, और उसके लिए हमने संबंधित डीएम को, तीनों 3 DM हमारे इसमें लगते हैं, हमने उनको भेज दिया है पत्र कि हमें इसमें तुरंत आप हमें वो दें और इसका पूरा हम इसकी शुरुआत कर सकें। इसके अलावा हम डेली 2100 टन करीब हमारे यहाँ कूड़ा उठ रहा है, और सैनिटाइजेशन का मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि जो हमें केंद्र सरकार से UDF में हमारे को जो 40 ट्रक मिले थे, वो 40 से 40 ट्रक हमने डेली सैनिटाइजेशन में लगा रहे हैं, और उसकी वजह से हर वार्ड के अंदर 64 वार्ड हैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम में, उसमें 64 के 64 वार्डों में 2 शिफ्ट में, किसी वार्ड में सवेरे किसी में शाम को, दोनों वार्डों में सैनिटाइजेशन हो रहा है। इसी प्रकार जो बायोमेट कंटेनमेंट जोन जो है वो हमारे यहाँ 41 हैं, उसमें टोटल स्क्रीनिंग भी वो हमारे ही वर्कर कर रहे हैं। इसके अलावा कल DM साहब ने चिट्ठी लिखी है, 150 DBC वर्कर उन्होंने और मांगे हैं, वो भी हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। पूरी तरह से कंधा हम मिला करके हम चाहे दिल्ली सरकार को पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से जो स्थिति है वो हमारे को कोरोना से जैसे लड़ने के लिए, जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, हम सबको मिलकर के लड़ना होगा। इसमें एक छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, जो कंटेनमेंट जोन में जो बायोमेडिकल वेस्ट, वो अध्यक्ष जी वो हमारे यहाँ रोजाना हम उठवा रहे हैं अलग से एक एजेंसी से, वो क्योंकि वो PPE किट से उठाया जाता है वो लगातार। इसके अलावा हमारे जो DVC वर्कर्स हैं, फील्ड वर्कर, सुपरवाइजर, सबको हमने जैसे हमें आदेश मिलेगा अध्यक्ष जी, तुरंत हमने संबंधित अधिकारी। इसके अलावा एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, हमारे यहाँ 2 कोरोना में डेथ हुई हैं, एक पर्यावरण सहायक हमारे सफाई कर्मचारी, उसको हमने 10 लाख रुपये की हमने राशि दे दी है, और उनका जो कोरोनामूलक आधार पर भी उनका जो नियरेस्ट वो है उसका भी हम उसको देने वाले हैं। दूसरी हमारा जो है स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में श्रीमती कमलेश सिंह आया, उनकी डेथ हो गई थी, उनका भी हमने 10 लाख रुपये का उनका अप्रूव कर दिया है। उनका जो भी लीगल एयर अब हमारे पास में आएगा उसको हम लीगल एयर की बात उनको तुरंत हम दे देंगे। ये सर्व औपचारिकता। इसके अलावा मैं ठीक, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी और सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। ये दिल्ली सरकार हमेशा कहते थे कि भाई मेरे पास संसाधन तो कोई दे ही नहीं रही है, तो हम कार्य कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग अब इस साल ही नहीं, गत वर्ष भी हम लोग, चाहे हमारे DVC हो या हमारे CFW हो, एक योद्धा के रूप में कार्य किए हैं। और अभी भी वर्तमान में जो हमारे MCD के 10,000 हमारे साउथ दिल्ली के कर्मचारी हैं, वो भी एक कोरोना वॉरियर्स योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ वो कोई भी चीज हमें प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, चाहे ग्लव्स हो या मास्क हो, ये सभी हम लोग हमारी MCD वो सभी हम लोग अपने कर्मचारियों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारे जो भी स्कूल हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो स्कूल में जो भी हमारे शिक्षक गण थे वो एक वीर योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि यदि हमारी दिल्ली सरकार की अपनी जो स्कूल है वो यदि चाहते तो अपने स्कूल को वो दे सकते थे, लेकिन वो हमेशा हमारे MCD से ही अपनी लाभ लेना चाहे हैं, और वो हम लोग उनको प्रभावित भी करवा रहे हैं। सिर्फ उनका एक ही मकसद होता है कि हम कार्य न करके एडवर्टाइज कैसे करें। गत वर्ष भी देखिए CFW या DVC हमारी कार्य कर रही है, लेकिन सिर्फ वो हमारे मुख्यमंत्री जी एडवर्टाइज पर ध्यान दे रहे हैं। आज भी यदि आप हम जमीनी स्तर पर काम करें और देखें तो सिर्फ हमारी MCD जो है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो,
या कि हमारी शिक्षा डिपार्टमेंट हो या हमारे सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट हो, सभी एक वीर योद्धा के रूप में काम करती है। हमारे जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं वहाँ सभी हमारे जो कंसेशनियर हैं वह सभी जाके और पीपीई किट पहन के वो लोग सभी कार्य कर रहे हैं। मैं बता दूं अभी आपको कि हमारे मैं जो अभी मैप बनाई हूँ और आप लोगों के लिए भी कुछ विवरणिका जो है वो तैयार कर ली हूँ, मैं अध्यक्ष जी को भी अभी सुपुर्द कर रही हूँ और आप मीडिया बंधु को भी अभी मैं दूंगी। तो अभी विद्यालय जो भवन है हमारे और 10,538 की क्षमताएँ हैं और सामुदायिक केंद्र जो है ये 1136 है। उसके तत्पश्चात हमारी अभी केंद्र सरकार जो है राधा सत्संग से 10,000 कैपेसिटी की जो है ये भवन ले रही है। अब हम यदि हमारे स्प्रिंकल मशीन हो, जो भी हमारे पास संसाधन है, मैं उसे भरपूर प्रयोग कर रही हूँ। और अभी मैं बता दूं आपको कि कालका जी, जैसा हमारे अध्यक्ष जी अभी बताए भी थे कि कालका जी की जो है और कालका जी और तिलक नगर अस्पताल, यहाँ पर हमारे कार्य जो है वो चल रही है और एडवर्टाइज तो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन हम बड़े ही जोर शोर से हमारा कार्य जो है वो एक द्रुत गति में चल रही है। और जो भी हमारे दिल्ली सरकार को चाहिए वह सभी हम लोग मुहैया करवा दिए हैं। धन्यवाद। देखिए, ये तो दिल्ली सरकार तो पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है। दिल्ली सरकार ने अपना जो काम करना था, अपना ड्यूटी निभानी थी, वो नहीं निभाई, उनके पास संसाधन भी होते हुए। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने आगे आके वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर बना रही 10,000 बेड का। हमने कॉरपोरेशन के जितने हमारे साथी, उन्होंने अपनी तरफ से ये प्रस्ताव रखा है और दिल्ली सरकार को चाहिए कि जो सुविधाएं आज केंद्र सरकार ने जो सर्वदलीय मीटिंग थी और जो जिसमें सीएम और एलजी साहब थे, उसमें गृहमंत्री अमित शाह जी ने साफ कह दिया आपको जो भी ज़रूरत है, जितने ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, जितने ऑक्सीमीटर की ज़रूरत है, जितने वेंटिलेटर की ज़रूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हम मुहैया कराएंगे, चाहे हमें सेना के डॉक्टर्स हों या दिल्ली सरकार के हों या कहीं के भी हों। आज जब 10,000 बेड्स का तैयार हो रहा है, वहाँ पर भी तो डॉक्टर की सुविधा है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होगी तो आप बचा पाएंगे लोगों को। आज निगम ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस इच्छा शक्ति को दिखाया है और इसको हम करके दिखाएंगे। ये केंद्र सरकार ने अपने आशा वर्कर्स, निगम के हेल्थ वर्कर्स, दिल्ली सरकार के भी वर्कर्स लगे होंगे, कंटेनमेंट जोन के साथ साथ पूरी दिल्ली के 20,000 से ज़्यादा जो संभावित संक्रमित हैं उनकी भी मैपिंग हो रही है और पूरी दिल्ली में 6 जुलाई से सीरोलॉजिकल सर्वे, जो दिल्ली सरकार को 2 महीने पहले करना चाहिए था, जब केंद्र सरकार के एम्स के डॉक्टर, मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने उनको एक पत्र लिखा था मेडिसिन डिपार्टमेंट से, ये दिल्ली सरकार को पत्र लिखा था, उस पत्र में साफ था, वो 24 अप्रैल को लिखा गया था और उसमें ये कहा गया था कि आपका सीरोलॉजिकल सर्वे और जो आरटीसी टेस्ट कर रहे हैं उसका प्लान क्या है। वो प्लान नहीं दिया उन्होंने। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनके पास था नहीं प्लान, उनको कोई काम नहीं करना था। वो तो ये कह चुके थे कि भाई दिल्ली में लोग कोरोना और लोगों के साथ जीना होगा और अपना इतिश्री कर ली थी, कह रहे होम क्वारंटाइन रहो। अच्छा, होम क्वारंटाइन रहोगे, आपका कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर है उसका कोई फोन तक नहीं जा रहा था उनके पास। तो ये सारी दिक्कतें, जब होम आइसोलेशन के कुछ नियम थे, आपके डॉक्टरों के फोन नहीं जा रहे, दिल्ली सरकार का सर्विलांस ऑफिसर्स की ड्यूटी बनती थी कि वहाँ मेडिकल टीम भेजे और जो होम आइसोलेशन में वो किस तरह से रहें, उनको गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। वो कुछ काम दिल्ली सरकार ने जो उनके एंड पे होना चाहिए वो नहीं किया। सारा का सारा काम, जब स्थिति बिगड़ रही थी, हॉस्पिटल में लोग मर रहे थे,
दिल्ली सरकार के अस्पतालों के जो दृश्य थे वो आप लोगों ने सबने देखे थे, हमने लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। तब जाके केंद्र सरकार ने इंटरवीन किया और आज दिल्ली के अंदर 10,000 बेड ये, 8,000 बेड रेलवे कोचेस के, दिल्ली सरकार के पहले से निगम के, कुल मिला के जो बात मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कही थी कि हम 30,000 बेड करेंगे, आज 37,000 बेड के आसपास का ये आंकड़ा बनता है जो एक दो दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। तो निगम ने अपनी तरफ से ये उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए कहा है, हमारे पास संसाधन है, जगह है, हमारी जो शक्ति है और हम अपनी शक्ति को और लगा सकते हैं। भाई आप इस समय कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, अब निगम काम करेगा, लोगों के लिए कर रहा है, केंद्र सरकार काम कर रही है, लोगों के लिए कर रही है। तो ऐसे समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को क्रेडिट लेने की राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनको जो भी सहयोग और मदद मिल रही है उसको साथ लेकर काम करने की जरूरत है। देखो दिल्ली सरकार फेल हो गई है, दिल्ली सरकार ने COVID-19 से बचाने के लिए 5T का फार्मूला दिया था, उन्होंने कहा था हम ट्रेसिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, टीम वर्क में काम करेंगे और टाइम बाउंड समयबद्ध तरीके से काम करेंगे। तो ना तो उन्होंने ट्रेसिंग की, लोगों के घर तक ही नहीं गई वो, जब ट्रेसिंग नहीं हुई तो टेस्टिंग भी नहीं हुई, टेस्टिंग नहीं हुई तो ट्रीटमेंट किसका करते, जो लोग खुद बीमार हो रहे थे अस्पताल में दाखिल हो रहे थे वो खुद रो रहे थे। तो दिल्ली सरकार को समयबद्ध तरीके से काम करना था, वो उन्होंने नहीं किया। नगर निगम पहले दिन से लॉकडाउन जिस दिन लगा था जब से लेकर आज तक, चाहे शहर को साफ करना है, चाहे सैनिटाइज करना है, चाहे डोर टू डोर जाके लोगों को मैपिंग करनी है, उनका बुखार मापना है, उनका ऑक्सीजन नापनी है, वो लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारे सभी कर्मचारी, हमारे सभी पूरे समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार को नगर निगम के संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहे। अगर वो सदुपयोग करेंगे तो दिल्ली को बचाने में आसानी रहेगी।